एक फ्लूइड की सरफेस किस तरह से बिहेव करती है, जैसे कि एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एक रबर का सरफेस है, उसको हमने ऐसे खींच दिया, तान दिया सब तरफ, दैट इज ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। उसी तरह की मेम्ब्रेन हर लिक्विड के ऊपर बनती है, उसी की तरह का बिहेवियर करती है। ओके, अब एक चीज हम पढ़ना चाहेंगे कि अगर वो प्लेन सरफेस की जगह कर्व सरफेस है तो क्या इफेक्ट होगा उसका, कर्व सरफेस का क्या इफेक्ट होता है। देखिए, ये एक रबर की सरफेस है, मैंने इसको यहां से दबाया और ऐसा कर्व कर दिया, दबाकर कर्व कर दिया। ओके, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये फिर सीधी हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब मैं इसको दबाता हूं तो इसके जो मॉलिक्यूल के डिस्टेंसेस हैं ये कैसे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और ये सब अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से, सरफेस टेंशन से वापस आना चाहते हैं, वापस आके छोटा होना चाहते हैं, छोटा होके सीधा हो जाना चाहते हैं। इसलिए ये सब जब ऐसे आएंगे तो ये जिसने इसको ऐसा ऊपर दबाया है ये सब उसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ दबाएंगे, नीचे की तरफ दबाएंगे और दबाकर ऐसे सीधे आना चाहेंगे, ऐसे नीचे दबाएंगे। इसी चीज को बैलून में देखिए, ये हमने एक बैलून की सरफेस ली, यहां पर एयर के पार्टिकल्स हैं, ये बैलून की सरफेस ऐसी है क्योंकि हमने इसके अंदर एयर का प्रेशर दिया हुआ है। अगर हम एयर प्रेशर निकाल लें तो ये बैलून की सरफेस ऐसे हो जाना पसंद करेगी, स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि यहां से यहां ये 10 मिलीमीटर है और ऐसे जाती है तो ये 17 मिलीमीटर है, ऐसे ज्यादा लंबी है और ऐसे में कम लंबी है, ये डिस्टेंस बड़ा बड़ा है, ये डिस्टेंस छोटा छोटा है, तो सरफेस टेंशन क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो डिस्टेंस को क्या करती है, छोटा करती है। तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी, बड़ा रहने की कि छोटा रहने की, छोटा रहने की। तो ये फ्लेक्सिबल भी है, स्ट्रेचेबल भी है, तो ये इधर आने की कोशिश करती है। कैसे कोशिश करती है, ये मॉलिक्यूल इसको खींचता है, ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है, सब एक दूसरे को खींच के डिस्टेंस को छोटा करते जाते, छोटा करते हैं तो ये अपने आप सीधी हो जाती है। अच्छा, अब इन पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में सोचिए। अगर इसको छोटा होके इधर आना है तो ये सब कहां जाएंगे, तो आंसर है सब दब जाएंगे। अगर ये इनको ऐसे दबाती है और ये दबने से इनकार करते हैं तो क्या होगा, ये खड़ी हो जाती है। यही होता है जब हम बैलून को फुलाते हैं तो उसके अंदर हवा भरते हैं, ये उस हवा के मॉलिक्यूल हैं। बैलून का स्ट्रेच किया हुआ रबर क्या चाहता है, नीचे आना, लेकिन ये एयर के मॉलिक्यूल उसको नीचे नहीं आने देते, ये बीच में फंसे हुए हैं, इसलिए दोनों में टग ऑफ वॉर होता है और ये एक जगह पर आकर रुक जाता है। जैसे ये अगर नीचे आना चाहता है तो ये क्या चाहता है कि ऐसा हो जाए, फिर उसके बाद ऐसा हो जाए, फिर उसके बाद ऐसा हो जाए, लेकिन अभी यहां से यहां तक पहुंचता है तो ये सारे एटम यहां इकट्ठे हो गए, ये सब मिलकर वो भी नजदीक नहीं जाना चाहते, तो जैसे ही ये नीचे आता है तो ये सब के सब उसको वापस जाने के लिए फोर्स लगाते हैं, तो ये नीचे फोर्स लगाता है, ये ऊपर फोर्स लगाते हैं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इस एरिया में एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा, लिक्विड है तो लिक्विड का प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर कब बढ़ता है, जब हम किसी चीज को दबाते हैं। इसने इनको दबाया, दबाया, दबाते गया, दबाते गया, इसके दबाने का फोर्स इसके रिएक्शन के फोर्स के बराबर हो गया, तो ये रुक गया। तब हम क्या देख रहे हैं, एक बैलून ऐसा है, एक सरफेस ऐसी है। अगर ऐसी सरफेस है तो और नीचे नहीं आ पा रही। तो हमने आपसे पूछा कि दो पॉइंट हैं
ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। ए और बी बताइए दोनों जगह एयर है तो प्रेशर कहां ज्यादा है, ए में कि बी में? ए। ठीक है, अब सब आप इस बात को समझ गए हैं कि प्रेशर कहां ज्यादा होता है, जिधर वो सरफेस छोटी होके प्लेन होने के लिए जाना चाहती है। अब कोई भी ऐसी सरफेस है, ये सरफेस इधर से देखेंगे तो हमको ये कैसी दिखेगी, कॉन्वेक्स। इधर से देखेंगे तो कैसी दिखेगी, तो इसके दो फेस होते हैं, ऊपर वाला कॉन्वेक्स फेस, नीचे वाला कॉन्केव फेस। तो कर्व सरफेस में कॉन्केव फेस और कॉन्वेक्स फेस कहां प्रेशर ज्यादा होगा? कॉन्केव की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है। तो अगर किसी फ्लूइड में, किसी लिक्विड में कर्व सरफेस बनती है तो कर्व सरफेस का रीजन क्या होता है? एक तरफ प्रेशर का ज्यादा होना, तभी वो उसको ऐसा उठा रहा है। तो किधर प्रेशर ज्यादा होता है? कॉन्केव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है। तो हमने इसको याद रख लिया कि कोई भी कर्व सरफेस में कॉन्केव साइड में प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। ठीक, तो ये प्रेशर एट ए इज लार्जर देन प्रेशर एट बी, और ये कौन सा साइड है? कॉन्केव, और ये कॉन्वेक्स, ये बी है और ये ए। तो इस पर प्रेशर ज्यादा है, यहां पर प्रेशर कम है। एवरीवेयर इट इज लाइक दिस, जहां भी कर्व सरफेस बनेगी। अब कर्व सरफेस, ये ग्लास है, इस ग्लास में हमने पानी डाला और ये पानी की सरफेस ऐसी आ गई। दिस इज ग्लास एंड दिस इज वाटर। ये है पॉइंट पी और ये है पॉइंट क्यू। बताइए पी और क्यू में किसका प्रेशर ज्यादा है? पी में प्रेशर ज्यादा है, क्यू में प्रेशर कम है। ये सरफेस किधर जाने की कोशिश कर रही है, ऊपर की नीचे? अगर इस सरफेस को छोटा होना है तो इसको किधर जाना चाहिए? ऊपर। क्यों? ये वाली सरफेस अगर ऐसी हो जाए तो देखो, इससे ये सरफेस छोटी है, मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आ गए, तो हमेशा सरफेस क्या चाहेगी? कॉन्केव साइड में सीधा होना चाहती है। तो ये सरफेस सीधी होती है ऐसे आ गए। अब इसके किनारे किनारे के मॉलिक्यूल का ग्लास के साथ लगने वाला फोर्स ऑफ अधेशन ज्यादा है, तो ये यहां से फिर ऐसे जंप कर जाते, ये वाला जंप करके यहां चला गया और ये सरफेस फिर ऐसी बन गई। क्यों? किनारे किनारे वाले को रास्ता मिला, किनारा वाला 2 मिलीमीटर ऊपर जा सकता है, ये 2 मिलीमीटर चला गया, ये भी 2 चला गया, ये सरफेस फिर कैसी हो गई? कॉन्केव क्या होना चाहती है? सीधा होना चाहती है, तो ये फिर अपने आप को ऐसा सीधा कर लेगी। अगर इसने अपने आप को सीधा कर लिया तो जब ये ऊपर आएगी तो नीचे से पानी खींच लेती है, ये पूरा पानी ऐसे उठ गया। अब क्या हुआ, ये जो किनारे वाले हैं ये फिर 2 मिलीमीटर उठ जाते हैं, ये वाला ऐसा 2 मिलीमीटर उठ गया, ये भी ग्लास के पास 2 मिलीमीटर उठ गया, ये सरफेस ऐसे बन गई। अब अगर ऐसे बन गई फिर ये इधर प्रेशर ज्यादा है, ये सीधा होना चाहती, सीधा होने के लिए फिर ऊपर उठती है, ऊपर उठती है ये ऐसे हो जाती है और ये फिर ऐसे जंप करके ऐसा बना ले। तो आप देखिए ये सरफेस यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, और यहां पर हमने पानी भरा हुआ है, ये पानी क्या होते जा रहा है? ऊपर उठते जा रहा है। इस तरह से अगर हम एक ग्लास की ट्यूब पानी में डुबाते हैं तो हम क्या देखते हैं? पानी अपने आप ऐसे ऊपर उठते जा रहा है। कब तक ऊपर उठेगा? जब तक कि इस पानी का वेट इतना ना हो जाए कि ये जो मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं ये पानी का मास उनको ऊपर नहीं जाने देगा। वेट किधर काम कर रहा है? नीचे। ये अब इसको ऊपर नहीं जाने देगा, इसको
ये वाला ये जब ऐसे सिकुड़ के ऊपर उछलेगा ऐसे, तो नीचे का ब्रेन उसको नीचे खींच लेगा, ऊपर नहीं जाने देगा, आखिरी वहां जाके ये रुक जाएगा। पर तब तक ये इतना ऊंचा पहुंच गया, इसलिए पानी कैटेगरी में उठ जाता है। तरीका समझ आया किस तरह से ये इसमें उठ जाता है? ओके, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि यहां प्रेशर ज्यादा होता है और यहां कम होता है। उसी के अनुसार यहां प्रेशर ज्यादा होता है और यहां कम होता है। बी, यहां प्रेशर कम है, यहां भी कम है, यहां भी कम है, यहां भी कम है, यहां भी कम है। क्यों? पास्कल लॉ क्या कहता है? सब जगह प्रेशर सेम, लेकिन ग्रेविटी के इफेक्ट में प्रेशर ऐड होता चला जाता है। यहां पर प्रेशर कितना है? सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर प्रेशर कितना है? लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये क्या करेगा? इधर से पानी को खींच लेगा और ये पानी का पूरा वेग इसको नीचे की तरफ खींच के रखता है। ये पानी के प्रेशर के कारण ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं। तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस है, ये प्रेशर के डिफरेंस के कारण वाटर राइज होता है कैपिलरी में। एनीवे, कैपिलरी पर हम लोग फिर आते हैं। अभी हम लोग क्या स्टडी किए हैं कि अगर एक कर्व सरफेस है तो अंदर की तरफ प्रेशर कैसे होता है, ज्यादा होता है। ये कितना ज्यादा होता है उसको अभी हम कैलकुलेट करते हैं कि वो कितना ज्यादा। अब हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए ब्लॉक। ये एक वाटर ड्रॉप है, इसका रेडियस आर है। इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है उस लिक्विड का कुछ डेंसिटी होगी, इसका कुछ मास होगा। और अब हमने क्या किया, इसके अंदर कुछ प्रेशर है, ये प्रेशर है पी। ये प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा प्रेशर है। क्यों ज्यादा प्रेशर? इसलिए है क्योंकि इसकी सरफेस कैसी है? कर्व्ड सरफेस। और हमको मालूम है लिक्विड की कर्व्ड सरफेस के अंदर ज्यादा प्रेशर होता है, तो इसके अंदर P इज द एक्सेस प्रेशर। P इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। ओके, ड्रॉप का रेडियस आर। अब हम इस पी की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। इस पी की कैलकुलेशन करने के लिए हमने एक मेथड निकाला। इस प्रेशर को हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। इस प्रेशर को जब इंक्रीज करेंगे, इस सरफेस को ये वाला प्रेशर, इसके अंदर के फ्लूइड का प्रेशर किधर दबाता है? तो आंसर है, कोई भी सरफेस इन कॉन्टेक्ट को प्रेशर हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में दबाता है। तो ये प्रेशर इसको ऐसा दबा रहा है, ऐसा दबा रहा है, ये प्रेशर इसको इस तरह से चारों तरफ दबाता है। प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया क्या होता है? फोर्स। तो इस पर एक फोर्स लग रहा है चारों तरफ। इस फोर्स लगने के कारण लेट अस सपोज कि इसकी सरफेस ऐसी हो गई, जैसे बैलून के अंदर हमने प्रेशर दिया, उस प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाया तो उसकी सरफेस ऐसी फैल गई, ज्यादा हो गई। तो ये जो आर रेडियस है, जब हम इसमें प्रेशर को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, कितना? पी इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा पी, देन आर इंक्रीज टू आर प्लस डेल्टा आर। तो इसको हमने पी प्लस डेल्टा पी किया और ये यहां चला गया। ये कितना बढ़ गया? डेल्टा आर। ये डेल्टा आर इंक्रीज हो गया, ठीक है, फोर्स लगाया, सरफेस बढ़ गई। हमने क्या किया है? हमने वर्क किया है।
अगर हमने इस पर वर्क किया, सरफेस पर वर्क किया, उस वर्क करने से क्या हुआ? उस वर्क करने से इस मॉलिक्यूल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? पहले कितना था आर, अब कहां पहुंच गया? आर प्लस डेल्टा आर। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किस डायरेक्शन में है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हर जगह यहां पर फोर्स इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यहां फोर्स इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। दैट मींस एवरीवेयर द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो वी कैन कैलकुलेट वर्क डन बाय फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है। व्हेन वी डू वर्क ऑन ए सिस्टम दैट एड्स अप टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। यहां पर मूव नहीं कर रहा है तो कौन सी एनर्जी में ऐड हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर किस फॉर्मेट में है? तो आंसर है इसकी सरफेस छोटी थी, ये ऐसी बड़ी हो गई। सरफेस पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गई क्योंकि सरफेस में एरिया के साथ पोटेंशियल एनर्जी लिंक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और यहां पर एरिया इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई। तो वो जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है कहां से आया? हमने प्रेशर को क्या किया था? डेल्टा पी बढ़ाया। तो प्रेशर को डेल्टा पी बढ़ाने से बैलून के अंदर प्रेशर को डेल्टा पी बढ़ाया, उसको बढ़ाने से अंदर फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन हुआ, वो वर्क डन इसकी सरफेस एनर्जी बन गया। बस दोनों के हम टर्म लिख लेंगे, जितना वर्क किया दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। बस उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि प्रेशर का टर्म भी आना चाहिए और सरफेस टेंशन का टर्म भी आना चाहिए, तभी हम दोनों को इक्वेट कर पाएंगे। बस ये इसका मेथड है और ये इसका प्रोसेस याद रखिए। और शुरू करते हैं, पहले वर्क डन P इज इंक्रीज बाय डेल्टा P, देन R इंक्रीजेस टू R प्लस डेल्टा R। सो वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द ड्रॉप is equal to force into displacement. Okay, force into displacement किसके बराबर होता है? Force is pressure into area. तो pressure इसका P और area कितना है? 4πr² एक sphere की surface का area कितना होता है? 4πr² ये हो गया force मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डेल्टा आर। फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। सो दिस इज वर्क डन। ये समझ में आ गया? ओके, इसके बाद हमको निकालना है चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। सरफेस पोटेंशियल एनर्जी before increase is equal to, ये किसके बराबर होती है? surface tension multiplied by area. This is equal to surface tension into 4πr². ये क्या है? उसके पास ये पुराने एरिया के समय ये जो सरफेस है, इस सरफेस के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी? S into 4πr². उसके बाद सरफेस पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर एक्सपेंशन इज इक्वल टू, फिर से S इंटू एरिया। अब S की वैल्यू S, लेकिन एरिया कितना हो गया? 4π इंटू आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वेयर। After expansion R का क्या हो गया? R plus delta R. So this is equal to, अब दोनों में हमने निकाला how much is the change. ठीक है, therefore rise in potential energy is equal to S 4 pi, दोनों में है और अंदर क्या हो जाएगा? बाद की एनर्जी माइनस पहले की एनर्जी।
इसमें से इस पूरे को माइनस कर देना है। माइनस करना है, इसको लिखा माइनस इसको लिखा, दोनों में कॉमन क्या आ गया s इंटू फोर पाई। अब माइनस किस किस को करेंगे, r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इसको अब आप लोग सॉल्व करिए और देखिए ये आएगा s 4 पाई r स्क्वायर प्लस 2r इंटू डेल्टा r प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये अब इसमें r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर कैंसिल। डेल्टा आर इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो उसका स्क्वायर और भी स्मॉल हो जाएगा एंड दैट कैन बी नेगलेक्टेड। कैन बी नेगलेक्टेड बी वेरी स्मॉल। बहुत छोटी होने के कारण डेल्टा आर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया। अब ये कितना बच गया, s इंटू फोर पाई इंटू टू आर इंटू डेल्टा आर, ये दिस इज व्हाट राइज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये राइज क्यों हुआ है, क्योंकि हमने उस पर वर्क किया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, कितना वर्क किया ये रहा। This is work done on the drop. Equation number one. This is work done. तो ये work done किसके बराबर होना चाहिए? Difference in potential energy. Therefore, according to work energy theorem, according to work energy theorem, work done, work done is equal to change in energy. Work done यहां पर कितना है, that is P 4 pi r square into delta r is equal to change in potential energy is equal to s 4 pi 2 r delta r। अब इन दोनों में कैंसलेशन करने के बाद हम p की वैल्यू निकालते हैं और निकाल कर देखिए इससे हमको क्या मिला, P is equal to 2s upon r। And what was P? The excess pressure inside the drop, जो कि सरफेस को संभाल के रखा था, सरफेस कोलैप्स नहीं हो रही थी क्योंकि उसके अंदर एक्सेस प्रेशर कितना, P। तो P और सरफेस टेंशन s, क्या रिलेशन हुआ, P is equal to 2s upon r, इतना प्रेशर इसके अंदर एक्सेस प्रेशर होता है। दिस इज एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप, एक वाटर ड्रॉप के अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होगा। इस एक्सेस प्रेशर के एक्सप्रेशन से हमको एक पता चलता है कि प्रेशर किस किस पर डिपेंड करता है, जितना सरफेस टेंशन ज्यादा होगा लिक्विड का उतना उसका प्रेशर ज्यादा होगा। और ये समझ भी आता है, जो रबर जितना टाइट होगा उतना ज्यादा दबाएगा अंदर की हवा को, तो सरफेस टेंशन ज्यादा तो अंदर का प्रेशर ज्यादा। दूसरा, रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है, इनवर्स, जितनी छोटी ड्रॉप होगी उतना उसका प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, ये याद रखिए, जितनी छोटी ड्रॉप होगी उतना प्रेशर ज्यादा होगा अंदर। ओके, सो ये है
एक्सेस प्रेशर इन द ड्रॉप। अब हम देखेंगे एक्सेस प्रेशर इन द बबल। बबल और ड्रॉप इनमें क्या डिफरेंस होता है, देखोगे एक्सेस प्रेशर इन साइड ए बबल। अब ये ड्रॉप की जगह हमने बबल बनाना है। ड्रॉप की जगह बबल कैसे बनता है देखिए, ये हमने सोप वाटर का एक बबल बनाया। सोप वाटर के एक बबल में क्या चीज होती है, तो आंसर है उसके अंदर क्या होता है, एयर। बाहर क्या है, एयर। और ये क्या है, लिक्विड। लिक्विड और एयर का ये एक इंटरफेस है, और लिक्विड और एयर, लिक्विड और एयर का ये दूसरा इंटरफेस है। तो अब आप बताइए लिक्विड और एयर के कितने इंटरफेस है इसमें। तो जब हमने ये एक ड्रॉप बनाई तो ये पूरा ही क्या है, लिक्विड, और ये क्या है, एयर। तो लिक्विड और एयर के कितने इंटरफेस, एक। तो यहां पर लिक्विड और एयर का इंटरफेस यानी सरफेस एक है। तो इन सब मॉलिक्यूल्स को कितनी सरफेस दबा रहे हैं, एक। ये वाले मॉलिक्यूल्स को कितनी सरफेस दबा रही है, दो। तो किसमें प्रेशर ज्यादा होगा, दो वाले, इसलिए बबल के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिए, बबल के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज इट हैज गॉट टू सर्फेसेस। ठीक, और इसको हम क्लियर भी कर सकते हैं कि अगर इसके अंदर प्रेशर पी होगा तो इसके अंदर कितना होगा, टू। इसके अंदर अगर टू एस अपॉन आर है तो इसके अंदर कितना होना चाहिए, फोर एस अपॉन आर होना चाहिए, क्योंकि दो लेयर है। ठीक है, डिराइव करके देखते हैं क्या वाकई इतना होता है। तो इसको शुरू करते हैं, मुझे पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, आपको पूरा लिखना है। सो पी इज द एक्सेस प्रेशर इन साइड द बबल। ओके, पी इंक्रीज बाय डेल्टा पी, देन आर इंक्रीज टू आर प्लस डेल्टा आर। तो यहां से जब हमने इस प्रेशर पी को बढ़ाया, डेल्टा पी इंक्रीज किया, तो ये सरफेस यहां चली गई। ये इस तरह से आ गई, और ये रेडियस, मीन रेडियस जो आर था, ये कितना हो गया, आर प्लस डेल्टा आर, आर प्लस डेल्टा आर और बढ़ गया, ये आर प्लस डेल्टा आर। देन वर्क डन ऑन द बबल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है, पी इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डेल्टा आर, सेम इज द फोर्स। अब देखिए यहां पर सरफेस पोटेंशियल एनर्जी बिफोर इंक्रीज, ये है सरफेस टेंशन, और ये क्या है, एरिया। एरिया ऑफ वन सरफेस और दो सरफेस है तो एरिया कितना हो जाएगा, डबल। तो इसको हमने क्या कर दिया, टू। ये टू किस लिए किया, क्योंकि एरिया दो फिल्म का है, दो सरफेस का, टू ऐसे। ओके, सो दिस इज इक्वल टू टू आफ्टर एक्सपेंशन, टू टू राइज इन पोटेंशियल एनर्जी, टू। सो दिस इज इक्वल टू टू, दिस इज इक्वल टू टू। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज वर्क डन, दिस इज चेंज इन एनर्जी, टू। और यहां पर भी क्या हो जाएगा, टू, एंड दिस कम्स टू फोर एस अपॉन आर। बस दिस इज एक्सेस प्रेशर इन द बबल।
तो आपको भी याद करने में आसान है कि आपको दो बार याद नहीं करना है, एक ही मेथड से एक ही बार याद करिए। बबल होगा तो एनर्जी वाले में टू टू करते जाएंगे, फोर्स वाले वर्कडन में उतना ही देगा, ठीक है। प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर, ये देखिए एरिया डबल हो जाएगा तो एनर्जी डबल। इस तरह से ये सॉल्व हुआ एंड दिस कम्स टू 4s upon r। तो बबल के अंदर प्रेशर 4s upon r और ड्रॉप के अंदर प्रेशर 2s upon r। ये दोनों के अंदर एक्सेस प्रेशर होते हैं, तो बबल की दो लेयर इसलिए डबल प्रेशर। अगला टॉपिक है हमारा कैपिलरी। कैपिलरी एक ऐसी ट्यूब जिसका अंदर का डायमीटर बहुत छोटा होता है। सो कैपिलरी इज ए ट्यूब विद के अंदर का डायमीटर बहुत छोटा रहेगा, दैट इज कैपिलरी। ओके, कैपिलरिटी क्या होता है? कैपिलरिटी ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को अगर हम लिक्विड में डालें, इस ट्यूब को लिक्विड में हमने डाला, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, इसमें हमने इस कैपिलरी को डाला। कैपिलरी को डालने से हम क्या देखते हैं कि यहां पर लिक्विड ऐसे राइज हो जाता है, ये इस तरह से लिक्विड इसमें राइज हो गया। तो लिक्विड में कैपिलरी को डिप करने से लिक्विड का लेवल राइज हो जाता है, ये जो फिनोमिना है इस फिनोमिना को कहते हैं कैपिलरिटी, ठीक है। लेकिन हमेशा राइज हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये इस पर डिपेंड करता है कि ये लिक्विड क्या है और ये इसका मटेरियल क्या है। जैसे यहां पर लिक्विड है वाटर, ये लिक्विड क्या है वाटर, और ये वाला सॉलिड क्या है ग्लास। ये ग्लास है और ये वाटर है, और ग्लास वाटर ग्लास को वेट करता है, अधेशन का फोर्स ज्यादा होता है इसलिए ये ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर हम किसी को बदल दें और इस ट्रफ के अंदर मर्क्यूरी रख दें और इसमें कैपिलरी को डालें, अब यहां पर क्या है मर्क्यूरी, तो हम ये देखते हैं कि ये लेवल मर्क्यूरी का था, पर जब हमने इसमें कैपिलरी डाली तो ये लेवल मर्क्यूरी का हो गया। This is mercury. तो यहां पर डिप आ गया और यहां पर इसने हाइट गेन कर ली है, ठीक है। तो यहां पर हाइट आ जाती है और यहां पर डिप आ जाता है, ये क्या चीज है मर्क्यूरी और ये क्या है ग्लास। तो जब भी हम कैपिलरी अंदर डालेंगे लिक्विड के लेवल में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा, या तो लिक्विड ऊपर हो जाएगा या लिक्विड नीचे हो जाएगा। ये जो फिनोमिना है लिक्विड लेवल का ऊपर होना या नीचे होना, दिस इज नोन एज कैपिलरिटी, ठीक है। सो कैपिलरिटी इज फिनोमिना रिलेटेड टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू विच व्हेनेवर ए कैपिलरी इज डिप्ड इन द लिक्विड देन द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी इज आइदर हायर और लोअर ड्यू टू कैपिलरिटी। इसी को क्या कहेंगे कैपिलरिटी फिनोमिना। ओके, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? रीजन फॉर कैपिलरिटी इज सरफेस टेंशन। रीजन फॉर कैपिलरिटी इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में मैंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी आपको कि यहां पर अगर हमने कैपिलरी डाली है तो ये जो इसके अंदर सरफेस बनती है
वाटर और ग्लास, ये सरफेस कैसी होती है? दिस सरफेस इज कॉनकेव फ्रॉम द टॉप. कॉनकेव होने से ये सरफेस ऐसी सीधी होने की कोशिश करती है और ये वाले मॉलिक्यूल फिर से इसको पकड़ के इसको ऐसा बना देते हैं. फिर ये सरफेस सीधी होती है, फिर ये वाले मॉलिक्यूल इस ग्लास को पकड़ने के लिए ऐसे चले जाते हैं और इसको ऐसा बना देते हैं. फिर ये सरफेस सीधी होती है. बताइए सरफेस सीधी होती है किस कैरेक्टरिस्टिक के कारण? सरफेस टेंशन. इसलिए ये ऐसा ऊपर उठ जाती है सरफेस टेंशन के कारण. इसने इसको पकड़ा, ये प्रॉपर्टी भी क्या है? सरफेस टेंशन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसके कारण ये इसको ऐसा पकड़ते हैं. फिर ये क्या हो गई? कॉनकेव. फिर सरफेस टेंशन के कारण ये सीधी होती है, फिर ऐसा ऊपर उठ जाती है. ये ऐसे चलते जाती है और हम ये देखते हैं कि फाइनली ये एक जगह जाकर रुक गई. क्यों? अब अगर ये सीधा होने के लिए ऊपर उठना चाहता है तो इतना बड़ा लिक्विड का कॉलम इसको ऊपर उठाना पड़ेगा, अब ये नहीं उठा सकता. क्यों? क्योंकि इसका एमजी ज्यादा हो गया है, तो ये यही रुक जाता है और इस तरह से ये इसने एक हाइट गेन कर ली एच. दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन कि ये ऊपर उठ जाता. रीजन समझ में आ गया? तो कैपिलरिटी का रीजन क्या हुआ? सरफेस टेंशन. ओके, अब ये जो इसमें वाटर एसेंड हुआ, चढ़ गया, ये कितनी हाइट तक चढ़ेगा, ये किससे रिलेटेड है? तो हम अभी उसका एक्सप्रेशन बनाएंगे एंड दैट एक्सप्रेशन विल बी नोन एज एसेंट फॉर्मूला. एसेंट मतलब ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ने का फॉर्मूला एसेंट फॉर्मूला. ओके, ये अभी तक हम जान चुके हैं, देख चुके हैं कि पानी में ग्लास ट्यूब डालने से पानी ऊपर चढ़ जाता है, एक लिमिट तक चढ़ता है, उसके बाद क्यों नहीं चढ़ता है. दोनों चीजें हमको समझ में आ रही हैं. चढ़ता क्यों है? क्योंकि ये सरफेस बार बार अपने को सीधा करना चाहती है. फिर रुक क्यों जाता है? क्योंकि इस कॉलम का मास इतना वेट बना लेता है कि वो और ऊपर नहीं चढ़ सकता. यानी फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स बाय द कॉलम ऑफ द लिक्विड. ये दोनों हो जाते हैं, उस जगह पर जाकर वो रुक जाता है. ठीक है, लेकिन इस ये हमने क्या ली है? कैपिलरी. कैपिलरी का बोर कैसा होता है? डायमीटर बहुत छोटा, बहुत छोटा. इसलिए इसके अंदर जो वाटर आएगा उसका मास भी कैसा होगा? बहुत कम. उसका जो एमजी नीचे बनेगा वो भी बहुत कम. तो सरफेस टेंशन का फोर्स काफी ऊपर तक उसको खींच लेता है. इतना कम एमजी होता है. कितना ऊपर तक खींच लेता है? बहुत ऊपर तक. ओके, अभी उसको स्टडी करते हैं. तो इसकी हाइट का फॉर्मूला पहले डिराइव करते हैं. हाइट के फॉर्मूला डिराइव करने के हमारे पास दो तरीके, दोनों तरीके से हम करेंगे. ये कैपिलरी में
वाटर राइज हुआ इस कैपिलरी का रेडियस दिस इज आर। ये ग्लास है और ये वाटर। इसी तरह का कुछ भी हो सकता है, इसमें फोर्स ऑफ अधेशन ज्यादा है, फोर्स ऑफ कोहेशन कम है। अच्छा, अब हमको कैलकुलेट करना है कि ये हाइट कितनी होगी। यहां से हमने इसकी हाइट ली h, रेडियस r, हाइट h, और ये पानी की डेंसिटी या लिक्विड की डेंसिटी रो। सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज s। तो हमने लिया कैपिलरी ऑफ रेडियस आर, डिप्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी of density rho and surface tension s। ठीक है, ये हमारी गिवन चीजें हैं। इट राइज, लिक्विड राइज इन द कैपिलरी, ये सारी गिवन क्वांटिटीज हमने मान ली। अब अगर हम इसका टॉप व्यू देखेंगे, इसका टॉप व्यू से हमने देखा कैसा दिखेगा, ये हमको दिखेगा कटोरी, आधा स्फीयर, एक बॉल है, ये हाफ स्फीयरिकल बॉल, ऐसा गोल पाइप है, इधर का पानी ऐसा चढ़ा, इधर का ऐसा चढ़ा, इधर का ऐसा चढ़ा, सब तरफ ग्लास की तरफ पानी चढ़ता है, तो शेप कैसी बनी, ऐसी, इधर से ऐसी, सो दैट इज ए हाफ स्फेरिकल बॉल। ये इसके अंदर बना, जिसका ये वाला एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कितना होगा, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहां पर मान लीजिए ये एंगल, यहां लास्ट में ये जो मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, यहां पर हमने टेंजेंट बनाई ये, और यहां पर टेंजेंट बनाई, ये एंगल है थीटा, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। हर जगह पर इसकी वैल्यू थीटा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और यहां पर सरफेस टेंशन का फोर्स क्या करता है, लिक्विड के दो मॉलिक्यूल को ऐसा इकट्ठा खींचना चाहता है, कितने फोर्स से, एस, एस किसका फोर्स है, सरफेस टेंशन। ये लिक्विड का मॉलिक्यूल और ग्लास का मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच ये फोर्स काम करता है, सरफेस टेंशन एस। अगर ये फोर्स एस है तो इसकी डायरेक्शन किधर है, आंसर है जो लिक्विड की सरफेस की डायरेक्शन है उसके टेंजेंशियल, इसलिए ये सीधा नहीं है ऐसा, क्योंकि ये लिक्विड की सरफेस ऐसे जाके इससे मिली, तो फोर्स भी अगर ये इससे ऐसे जाकर मिलती है तो ये दो मॉलिक्यूल के बीच, ये मॉलिक्यूल के बीच फोर्स कैसे होगा, ऐसे, इसीलिए ये फोर्स की डायरेक्शन। इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, हम बना सकते हैं एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। यहां से वर्टिकल फोर्स ये और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला फोर्स कितना होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, अल्टरनेट एंगल। अब देखिए ये एस है, ये थीटा है, तो ये कितना हुआ, एस क्रॉस थीटा, ठीक
एस कॉस थीटा कंपोनेंट किधर काम करता है, ऊपर की तरफ, और एस साइन थीटा साइड की तरफ, ठीक है। साइड में ये जब ऐसा प्रेस करेगा तो ग्लास इसको रिएक्ट करेगा और वो फोर्स ऑफ रिएक्शन देगा जो कि इसको बैलेंस कर लेगा। तो एस साइन थीटा कोई एक्शन नहीं करता। एस कॉस थीटा किधर लगा, ऊपर की तरफ, हर पॉइंट पे लगा। ये किसका फोर्स है, सरफेस टेंशन का। अब सरफेस टेंशन से पूरी लिक्विड के फोर्स में कन्वर्शन कैसे होता है, सबसे इनिशियली हमने फॉर्मूला पढ़ा, वी नो दैट एस इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। ये हमने किया, एल क्या है, लाइन की लंबाई, एस क्या है, सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ, एफ क्या है, पूरी लाइन में लगने वाला फोर्स। इसको जब हम ऊपर से लिक्विड को देखते हैं तो हमको लाइन कहां दिखती है, ग्लास के साथ साथ, ये ऊपर से हमको ये लाइन दिखती। इस लाइन का रेडियस कितना है आर, हर जगह पर कौन काम कर रहा है, सरफेस टेंशन, हर पॉइंट पे सरफेस टेंशन एस, हर एक मीटर पे सरफेस टेंशन एस, और इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी, तो फोर्स किसके बराबर हुआ, therefore फोर्स इज इक्वल टू एस इंटू एल इज इक्वल टू एस इंटू टू पाई आर। एल क्या है, वो लंबाई जिस पर सरफेस टेंशन के मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं। यहां पर ग्लास को लिक्विड ने कहां पकड़ा है, किनारे किनारे, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, टू पाई आर। इस टू पाई आर के हर एक सिंगल लेंथ पे कितना वर्क कर रहा है, एस। अब उस एस को हमने देखा, ये दो कंपोनेंट हमको सिर्फ ऊपर वाला चाहिए, तो हम क्या लिख लेंगे, एस कॉस थीटा। इसलिए इसको मैं करेक्ट करता हूं, दिस वी विल राइट एस ये एस कॉस थीटा इंटू टू पाई आर, और इसकी डायरेक्शन ये, क्लियर हुआ, एस कॉस थीटा इंटू टू पाई आर। ये किस तरफ फोर्स लग रहा है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ठीक। ये पूरा का पूरा फोर्स अगर यहां पर इसको ऐसे ऊपर की तरफ लगता है तो ये पूरे लिक्विड को क्या कर रहा है, ऊपर उठा रहा है, उठा। दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू लिफ्ट, और इस फोर्स में कौन है, एस। सो सरफेस टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल टू लिफ्ट द लिक्विड। उठाते उठाते पूरा ऊपर तक क्यों नहीं ले जाता, जैसे ही ऊपर करता है ये कॉलम का वेट उठाना पड़ता है उसको, और ये वेट बढ़ते जाता है विद हाइट, बढ़ते जाता है, बढ़ते बढ़ते इसकी हाइट एच तक पहुंची और ये रुक गया। अगर रुक गया इसका मतलब क्या है, ऊपर उठाने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे ले जाने वाला फोर्स, सो द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड डाउनवर्ड इज इक्वल टू एम, किसका एम, यस एम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी जी। वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इनटू हाइट। एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर नीचे का एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये किसका फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम रो जी। दिस इज व्हाट, फोर्स एक्टिंग डाउन, देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम ये पाई आर स्क्वायर एच ओ जी इज इक्वल टू एस कॉस थीटा इंटू टू पाई आर, और इसमें अब नेसेसरी कैंसिलेशन आप करके एच की वैल्यू बताइए,
आ गया एचवेल। तो ये हाइट किस पर डिपेंड करती है? सरफेस टेंशन कितना ज्यादा है, थीटा कितना कम है, क्योंकि कॉस थीटा का बड़ी है, और आर कितना छोटा है। अगर हम प्योर वाटर लेते हैं तो प्योर वाटर में थीटा की वैल्यू जीरो होती है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, वन। तो प्योर वाटर के लिए एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर प्योर वाटर एंड ग्लास थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2s अपॉन r इनटू रो इनटू g। और क्या हो जाएगा, ठीक है, अब r जितना छोटा होगा h की वैल्यू उतनी ज्यादा होगा। r को हमने लिया कैपिलरी का 0.03, दैट इज 3 इनटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर, 10 की पावर माइनस 5 मीटर, इतना छोटा। तो ऊपर आके ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर प्लस 5, एच काफी बढ़ जाएगा। इस तरह से आर जितना छोटा होगा पानी उतनी ऊपर तक चला जाएगा, ठीक है। और यही रीजन होता है कि जब हम एक पेड़ को देखते हैं, 7 फुट ऊंचा पेड़ है 5 मंजिल के बराबर, उसके सबसे ऊपर का पत्ता हरा दिखता है, यानी उसमें पानी ग्रीन कलर क्यों होता है, पानी के कारण सूखे पत्ते में नहीं होता, तो उसको पानी कहां से मिल रहा है, सात फुट ऊपर, उसकी जड़ से जाता है। और तरीका क्या है जड़ से ऊपर जाने का, पंप नहीं लगाया उसमें, दैट इज कैपिलरी। कैपिलरी की स्पेशलिटी क्या होती है कि कैपिलरी की दोनों दीवार, ये इसमें से हवा घुसने का या पानी घुसने का जगह नहीं होना चाहिए, इधर ओपन होना चाहिए, इधर भी ओपन होना चाहिए। अगर हम इसको बंद कर दें तो ये फिनोमिना गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं आएगा, इसलिए ये कैपिलरी का एक कंस्ट्रक्शन है। ये हमने चौक का पीस लिया, इस चौक के पीस में कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना है, कैल्शियम कार्बोनेट को ऐसा ऊपर से पॉलिश कर दिए, और ये हमने लिखा यहाँ से पॉलिश करके इसको ऐसे हमने रखा इंक में, तो ये इधर से बंद और इधर से खुला कैपिलरी बन गई, और उसके एक एक पार्टिकल बहुत नजदीक नजदीक है, तो कैपिलरी का होल बहुत छोटा हो गया। जैसे इंक पे डालते हैं इंक इसके ऊपर चली जाती है, दैट इज कैपिलरी। यही चीज हमारे जो इंक के लिए पेपर यूज करते ब्लॉटिंग पेपर उसमें यूज होती है। सीमेंट सूखा है उसमें हमने पानी डाला, पानी बहता नहीं है, उसको पी जाता है, ये है, ठीक है। और यही फिनोमिना है जिससे गणेश जी दूध पीते हैं, क्यों, वो कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर के बने होते हैं चूना, तो सब जगह उसको घिस के पॉलिश कर देते हैं, सब तरफ के छेद बंद हो गए। लेकिन अगर सूरज के नीचे यहाँ साइड ठीक से नहीं है तो यहाँ छेद खुले रह जाएंगे, कैपिलरी की उत्पत्ति रह जाएगी। यहां से हमने चम्मच में दूध भर के ऐसे रखा तो क्या होगा, उस कैपिलरी में राइज हो जाएगा, और पतली कैपिलरी है बहुत राइज होगा, तो जो दूध ऊपर जाएगा वो आता कहां से, चम्मच से, तो चम्मच में दूध का लेवल कम हो जाएगा, वो दूध कहां गया, कैपिलरी में ऊपर ऊपर इसके अंदर चला गया। और हम क्या देखते हैं कि हमने चम्मच से ऐसा दूध रखा और दूध ऊपर चला गया, ठीक है। फिर हम अपने भाई को फोन करते हैं कि हमारे यहां गणेश जी दूध पिए, ठीक है। इसमें अभी हमने और चीजें पढ़नी है, ओके, दैट मीन्स